हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, अब मानसून आ चुका है तो मानसून आने के बाद बहुत सारे काम होते हैं अपने गार्डन में, लेकिन साथ साथ नए पौधे भी लगाने होते हैं। नए पौधे जो हमारे पास नहीं हैं या फिर जो पौधा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है उसको फिर रिपोर्ट करना होता है, उसकी कटिंग लगानी होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही पौधे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लो बजट प्लांट्स जिसमें कि खर्चे बहुत कम होंगे और ये गार्डन को खूबसूरत भी बनाएगा। बहुत प्यारा गार्डन लगता है इन पौधों से, और इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कम खर्च में और गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर। तो आज मैं यही सारे प्लांट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कौन कौन से पौधे आप अपने गार्डन में लगाएं जिससे कि आपको मेहनत भी कम लगेगी, पैसे भी कम लगेंगे, बहुत काम करना भी नहीं है, कम काम में गार्डन खूबसूरत लगेगा, समय की भी बचत होगी। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। नंबर वन पे ये पचुला का पर्सलेन, इसमें बहुत सारे कलर्स मिलेंगे आपको, वाइट, ये है पिंक, येलो, देखें। तो ये प्लांट जो है आप इसको कहीं पे भी, बहुत सारा ये जब होता है ज़्यादा हो जाता है तो लोग उखाड़ उखाड़ कर फेंकते भी हैं इसे, तो आपको कहीं पे भी दिखेगा तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। लोग इसकी कटिंग अगर आप मांग के भी ले सकते हैं किसी से, छोटा सा कटिंग कहीं तोड़ के भी ले सकते हैं, इसलिए कि इसकी कटिंग लेने के बाद किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। ये ऐसे ही बहुत उखाड़ उखाड़ करके फेंकना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। कटिंग बहुत इजी चल जाएगी, 8 दिन में इसकी कटिंग लग जाती है, 10 से 15 दिन में फ्लावरिंग भी होने लगेगी। मॉस रोज दूसरा नंबर पे ये है, देखिए कितना सुंदर प्लांट है ये। वॉन्डरिंग जू भी बहुत खूबसूरत पौधा है, ये नर्सरी पे भी सस्ते में मिल जाएगा आपको। और इस प्लांट को अगर कहीं पे आप देखते हैं तो इस प्लांट की कटिंग आप ले सकते हैं, अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से, किसी से भी इसकी कटिंग ले सकते हैं। इसका भी कटिंग देने में लोग बिल्कुल नहीं कतराएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इतनी ही रफ्तार से बढ़ता है और गार्डन में इतना ज़्यादा बढ़ता है कि फिर इसे लोग जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको भी उखाड़ कर फेंका करते हैं। तो इसलिए इसकी कटिंग भी आप अगर कहीं पर यह पौधा दिखता है तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरा ये बॉन्डिंग जो हुआ, तीसरा ये हो गया फ्रेंड पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की भी यही कंडीशन है, और देखिए कितना खूबसूरत भी लगता है, गार्डन को कलरफुल बनाता है। जब सारे ग्रीन पत्तियों वाले पौधे होते हैं तो ये बहुत सुंदर बनाता है गार्डन को, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग भी, जैसे इसकी ये पौधे सारे ऐसे हैं जिनको कुछ तोड़ करके फेंक दो कहीं पर मिट्टी पर तो जम जाता है, जड़ें इसमें बन जाती है, तो इसकी कटिंग भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अगर कटिंग कहीं पे नहीं भी मिलती है तो नर्सरी पे भी ये पौधा सस्ते में मिलेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है अपने गार्डन में, बहुत लो मेंटेन प्लांट है। तो इन सब पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। नंबर 4 पे ये है रेओ प्लांट। रेओ प्लांट की भी कंडीशन कुछ ऐसी है, जितना खूबसूरत ये लगता है पॉट पूरा भर जाता है इस तरीके से। छोटा पॉट में भी अगर इसको लगाइए आप तो पॉट पूरा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना घना लग रहा है। मैंने छोटे से प्लांट लगाई थी और एक साल में ही, एक साल पूरा हुआ, थोड़ा एक दो महीना और ज़्यादा, लेकिन उसके बाद देखते हैं कितना घना हो गया है। अब जैसे कि मेरा ये पौधा इतना घना हो गया है तो मुझे इसको कुछ हटाना पड़ेगा, तो मैं किसी को शेयर करूँगी या फिर कहीं पर फेंकूँगी इस तरीके से। लेकिन जब ये पौधा आपको कहीं पे दिखता है, आपके पास नहीं है, तो आप ये पौधा कहीं पे भी दिखता है, किसी के पास भी है, तो आप इसके कटिंग ले सकते हैं। इसको ग्रो करना भी बहुत आसान होता है और इजी मेंटेन प्लांट होता है, सन लविंग प्लांट होता है। ये धूप में इंडोर भी चलेगा आपका, ब्राइट लाइट में, और धूप में भी चलेगा। धूप में इसके कलर थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये सारे पौधे जो हैं बहुत ईजी मेंटेन होने वाले हैं और इसकी कटिंग भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। जो पौधे इस तरीके से ग्रो करते हैं, फैलता है बहुत तेज़ी से, उन पौधों को लोग ईज़िली, जिनके पास है आप इसकी कटिंग उनसे ले सकते हैं, उनको देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसे उखाड़ उखाड़ कर फिर फेंकना ही होता है।
तो इस तरीके से आप रियो प्लांट का भी लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। इसे डिवाइड करके भी नीचे से डिवाइड किया जाता है फ्रेंड, जिसमें कि रूट भी बना होता है, तो यहीं से कटिंग मिल जाती है। रूट के साथ में भी आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी है और नर्सरी पे भी थोड़ा कम प्राइस में ही मिल जाएगा। और रही ये, देखिए कब कितना सुंदर प्लांट है ये पिंक लेडी। पिंक लेडी ये हैंगिंग प्लांट्स है, लेकिन पॉट में भी इसे लगा कर रखिएगा तो बहुत प्यारा लगता है। मैंने बहुत छोटे से पॉट में देखिए लगा कर रखी हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है, पूरे पॉट को कवर कर लेता है। आप इसमें कैसा भी पॉट यूज़ करें, पॉट दिखेगा नहीं, प्लांट्स ही दिखेगा। तो इसको भी बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में कटिंग से, यहाँ से लेकर के इसमें रूट सभी जगह पर निकली हुई होती हैं बाहर बाहर, तो ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। और ऐसे अगर ये नहीं कहीं पे मिल पा रहा हो तो नर्सरी पे भी सस्ते में ये पौधा मिल जाएगा। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनको ग्रो करेंगे आप अपने गार्डन में, कम प्राइस में आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छी चलेगी, पैसे भी कम खर्च होंगे और गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत रहेगा। इसी तरीके से ये प्लांट टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन भी बहुत खूबसूरत पौधा है हैंगिंग के लिए, हैंगिंग में भी लगाएं, पॉट में भी लगाएं। पॉट में थोड़ा नीचे भी ये फैल जाता है ज़मीन पे, और हैंगिंग में बहुत लॉन्ग जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसको थोड़ा सा टच करो तो इस तरीके से देखिए टूट भी जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इस तरीके से इसकी भी कटिंग कहीं पर मिलती है तो आप लगाएँ, और वैसे नर्सरी पर भी इसके भी प्राइस कम होते हैं तो सस्ते में ये पौधा मिल जाएगा। ये मैंने देखिए इसमें हिबिस्कस की कटिंग लगा रखी है, अभी बारिश कंटिन्यू हो रही है तो कैसे भी कटिंग लगा दो चल जाएगी। तो ये पौधा भी हिबिस्कस का आपको हर जगह पे मिलेगा, रोड साइड में भी लगा रहता है, पार्क में भी लगा रहता है, तो इसकी भी कटिंग लेकर के आप लगा सकते हैं। ये भी फ्री में बन जाएगा नया पौधा, तो आप अपनी गार्डनिंग बहुत कम पैसे में बहुत कम खर्च के साथ कर सकते हैं। फिर ये जो पौधे मैंने आपके साथ शेयर की, ये सस्ते और खूबसूरत भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाएगा, कलरफुल बनाएगा। इस तरीके से जब ग्रीन पौधे हैं तो इन सब में आपको एक कलरफुल इसमें रौनक भी आएगी। तो ये सारे प्लांट्स नर्सरी पे भी बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे, 20 से 25 रुपए में। तो अपनी गार्डनिंग की शुरुआत इन सस्ते पौधों से करें और गार्डन को भी खूबसूरत बनाएं, सोचना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।